हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हाशमी टेक चैनल और आज आपको बताने जा रहा हूं कि आप अगर SBI में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, अगर आप योनो ऐप्स के द्वारा खाता खुलवाते हैं या फिर वहां ब्रांच में जाकर खाता खुलवाते हैं तो आपको किस प्रकार के ATM कार्ड मिलता है और यह ATM कार्ड कितना दिनों में आप तक पहुँचता है, तो इसके बारे में आपको आज जानकारी दूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टेट बैंक का ATM कार्ड आने में करीब 15 दिन लगता है, लेकिन अभी लॉकडाउन है इसलिए इसका टाइम बढ़ गया है, अभी करीब 20 या 25 दिन लगता है। चलिए आपको बताते हैं आपको कौन सा ATM कार्ड मिलेगा, ATM से आप कितना रुपया निकाल पाएंगे और कितना शॉपिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये मिलेगा स्टेट बैंक ATM, चलिए इसको साइड में रखते हैं। उसके बाद आपको ये मिलेगा, ये बुक है, इसमें बताया गया है कि आप ATM कार्ड कैसे यूज करें। चलिए इसको साइड में रखते हैं, अब चलते हैं अपना ATM की तरफ। आपको यह चीप और बेस्ट पॉकेट मिलता है, देख लीजिए पीछे लिखा गया है कि आप ATM कार्ड कैसे ब्लॉक कर सकते हो। ऐसा ही एक ATM कार्ड मिलेगा जब आप नया खाता योनो या फिर बैंक में जाकर स्टेट बैंक में खुलवाते हैं। यह ATM कार्ड मिलने के बाद आप योनो या नेट बैंकिंग के द्वारा न्यू ATM कार्ड, मास्टर या वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीछे में देखिए यहाँ पर CVV नंबर लिखा रहता है और यहाँ पर आप सिग्नेचर अपना कर सकते हैं। न्यू ATM कार्ड कैसे अप्लाई करते हैं उसका मैं वीडियो अपने चैनल पर पहले ही चढ़ा दिया हूँ, उसको जाकर देख लीजिए। और न्यू एक डेबिट कार्ड, चाहे मास्टर हो, वीजा हो, ग्लोबल हो, कॉन्टेक्टलेस कार्ड हो, उसको आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं योनो SBI के द्वारा।